नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंचकर जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ली थी। अब मुख्यमंत्री की शपथ वो ले चुके हैं, नीतीश कुमार ने जब कल उनसे मुलाकात की है। अब ऐसे में उस मुलाकात पर एक तरफ जहाँ विपक्षी खेमा खूब प्रहार कर रहा है, उस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कई आरजेडी नेताओं ने यह भी कहा है कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और मुख्यमंत्री बिहार के हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, एनडीए की उनकी सरकार है, तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन राबड़ी देवी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक कड़ी टिप्पणी की थी। उस पर पलटवार करते हुए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कड़ा जवाब दिया है। पहले आप सुनिए राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा था, उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों ही बातों को सुनिए। आप लकड़ी जलाते हैं, आप लोग लकड़ी जलाते हैं ना, गैस का दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाइएगा, गरीब आदमी क्या करेगा, लकड़ी जला रहा, पत्ता झोंक रहा, गरीब आदमी चुन रहा है, गरीब पे ही इलाज हो रहा है बढ़िया से। चुनाव के बाद लगातार है नीतीश जी का तो मानिए प्रधानमंत्री के गोड़े पर गिर गए, क्या करिएगा। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है, इस तरह से होगा कुछ मजबूरी, वो लोग सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहे हैं, कुछ होगा वहाँ के कुछ यहाँ के, मजबूरी है क्या, पूरा मजबूरी। अरे भैया, अब शिष्टाचार भी उन्हीं लोगों की तरह करने की अपेक्षा करते हैं क्या माननीय मुख्यमंत्री जी या हम लोगों से, कि अपने परिवार के लोगों को भी गाली देने का काम करे। शिष्टाचार में कोई किसी का नमन करता है तो उसके आधार पे एक शिष्टाचार है, अब इतना शिष्टाचार भी न रहे तो फिर ऐसी टिप्पणी लोग कर रहे हैं कि अब भगवान ही मालिक है वैसे लोगों के ज्ञान का। अब राबड़ी देवी क्या कर रही है, उनकी बात को लेकर क्या टिप्पणी करनी, अब भी यही समझ रही हूँ कि जिस तरह से उनके परिवार में बहुओं की किस रूप में दुर्गति होती है, यह सामान्य शिष्टाचार हर परिवार में होना चाहिए। तो सामान्य शिष्टाचार कहीं अगर कहीं हो रहा है तो उसको देखकर भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दोनों की बातों को आपने सुना है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार ने जो मुलाकात की है वो बिहार पहुंच चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद आखिर क्यों विपक्षी खेमा जो है वो बेचैन दिख रहा है, क्यों इस मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि मुलाकात महज कुछ मिनटों की ही हुई, मंच पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और नीतीश कुमार ने जो भेंट की है उस पर अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने राबड़ी देवी को भी कड़ा जवाब दे दिया है, ये कहा है कि अपनी बहुओं की कैसी इज्जत हो, कि क्या करते थे, सीधा निशाना ऐश्वर्या राय वाले कांड पर था, तेज प्रताप यादव की जब शादी हुई थी उसके बाद कैसे माहौल बिगड़ता गया घर का, उन तमाम बातों की उन्होंने याद दिलाई है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।